Hello everyone, this is Garima from Metro Mom. I make videos on home decor, DIY and lifestyle improvement. And if you have interest in such videos, then make sure you subscribe to my channel and hit the bell icon so that you're not missing any of my videos. So let's start with today's video. Today I'm going to talk about 10 common home decor mistakes which we can avoid in 2020 and make our home look more organized and more aesthetic. So let's start. मैं आज 10 उन कॉमन होम डेकोर मिस्टेक्स को कवर करने वाली हूँ जो डेफिनेटली मैंने की है पास्ट में और मैं अपने गलतियों से सीख रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप इन गलतियों को ना करें, इसलिए मैं इन 10 पॉइंट्स को आपके लिए कवर करने वाली हूँ। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि हम बात करेंगे लिविंग रूम की वॉल के कलर्स के बारे में। मैंने अक्सर देखा है कि लोग बहुत ही स्पेसिफिक कलर्स को चूज़ करते हैं, जैसे कि पिंक, पर्पल या बहुत बोल्ड रेड। ऐसा कोई कलर जब आप लिविंग रूम में यूज़ करते हैं तो आपका जो डेकोर का ऑप्शन होता है वो बहुत ही लिमिटेड हो जाता है। जैसे अगर आपका सोफ़ा, अगर आपने ब्राउन खरीदने का मन हुआ आपका, तो वो आपके रेड वॉल के साथ उतना खूबसूरत नहीं लगेगा। और अगर आप अपना डेकोर थोड़ा चेंज करना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल कलर थीम के साथ जाना पड़ेगा। इसीलिए मेरा सजेशन ये होगा कि जब भी आप अपने लिविंग रूम की वॉल कलर्स को चूज़ करें तो ऑलवेज गो फॉर न्यूट्रल और जनरल कलर्स, जैसे कि वाइट, क्रीम, मस्टर्ड, ब्लू, इन तरह के कलर्स के साथ अगर आप जाएंगे तो हर तरह का फर्नीचर और हर तरह का डेकोर उसके साथ जाएगा। नाउ पॉइंट नंबर 2 व्हेन इट कम्स टू होम डेकोर मिस्टेक इज अबाउट द कर्टेंस। कर्टेंस को लेके मैंने देखा है कि कई बार लोग कर्टेंस को गलत हाइट पर टांगते हैं और उससे पूरे रूम का लुक डिस्टर्ब हो जाता है। या तो लोग कर्टन को बहुत ऊपर टांगते हैं या बहुत नीचे टांगते हैं, और कई बार फ्लोर और कर्टन के बीच में जो गैप होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है और वो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। कर्टन टांगने का जो राइट तरीका है वो ये है कि जो आपका कर्टन है वो सीलिंग से सिर्फ हाफ इंच के गैप पे ही होना चाहिए और नीचे भी सिर्फ उसमें हाफ इंच का ही गैप होना चाहिए। ना तो वो आपका कर्टन फ्लोर पे रगड़ना चाहिए और ना ही बिल्कुल ऊपर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें ऐसा इतना गैप हो कि वो दूर से ही दिखाई दे। तो अगर आप जब भी कर्टन खरीद रहे हैं या फिर आप कस्टम मेड कर्टन बनवा रहे हैं तो प्लीज़ मेजरमेंट लेके जाइए और उसके हिसाब से ही कर्टन को बनाइए। आपका लिविंग रूम बहुत ज़्यादा डिफरेंट लगेगा अगर आप राइट साइज़ के कर्टन को चूज़ करेंगे। नाउ कमिंग टू पॉइंट नंबर 3, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कुशन्स। कुशन को लेकर भी लोगों के मन में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि कैसे कुशन रखने चाहिए, किस साइज़ के रखने चाहिए, तो वो भी मैं आपके लिए आज कवर कर रही हूँ। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि अगर आपके काउच पे 5 कुशन्स हैं तो वो सारे एक ही साइज़ के होने चाहिए और वो सब एक ही डिज़ाइन के होने चाहिए। ये ट्रेंड काफ़ी पहले जा चुका है, तो अगर आप इसको कर रहे हैं तो आप इसको तुरंत बंद कर दीजिए। आप अगर आपके काउच पे 5 कुशन हैं और अगर 3 18x18 साइज़ के हैं तो कोशिश करिए कि जो बाकी 2 कुशन हैं वो थोड़ी छोटी साइज़ के हों, या तो 12x12 के हों या फिर 16x16 के हों। अगर आप डिफरेंट साइज़ के कुशन कवर्स कुशन्स को रखेंगे तो आपका सोफ़ा ज़्यादा देखने में खूबसूरत लगेगा, ज़्यादा कोजी लगेगा। इसीलिए आप डिफरेंट साइज़ के कुशन्स को यूज़ करिए। और अगर बात करते हैं हम कुशन कवर्स की, तो प्लीज़ आप एक जैसे कुशन कवर्स के लिए मत जाइए। मुझे मालूम है कि ये ट्रेंड पास्ट में बहुत चलता था बट अब नहीं चलता है। अब हम मिक्स एंड मैच करते हैं डिज़ाइंस को, पैटर्न्स को, जिससे कि ज़्यादा अच्छा लुक आता है। काउच का लिविंग रूम भी एक वाइब्रेंट लुक देता है। तो अगर आप एक ही कलर को फॉलो करना चाहते हैं तो उसमें भी आप पैटर्न्स और प्रिंट्स को मिक्स करिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ब्लैक यूज़ करना चाहते हैं तो कोई आप ब्लैक कोई कोट वाला कुशन लीजिए, कोई प्रिंट वाला लीजिए, कोई प्लेन लीजिए, किसी में टैसल्स हो, किसी में फ्रिंजेस हो, किसी में पॉम पॉम हो, तो ऐसे आप मिक्स एंड मैच करिए और आपका काउच कहीं ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द 4th पॉइंट जो कि इंडियन घरों में बहुत ज़्यादा कॉमन है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, और वो है सोफ़ा कवर्स। हम सब बचपन से घरों में अपने देखते आए हैं कि हमारे पेरेंट्स सोफ़ा पे बड़े बड़े कवर्स लगाते थे। मैं समझती हूँ कि हमें सोफ़ा को साफ़ रखने की ज़रूरत है और हमारा जो इन्वायरमेंट है उसमें काफ़ी ज़्यादा धूल और गंदगी होती है, लेकिन अब बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस के थ्रू भी अपने सोफ़ा को साफ़ रख सकते हैं। क्योंकि ये जो बड़े बड़े पुराने स्टाइल के कवर्स हैं उनसे सोफ़ा की ब्यूटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, प्लस वो इतने ज़्यादा कॉमन है कि आपको हर दूसरे घर में वैसे कवर्स दिखाई देंगे और वो देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं।
अब मार्केट में बहुत सारे थ्रोज अवेलेबल हैं, आप थ्रोज को यूज़ करिए। अगर आप थ्रो नहीं खरीदना चाहते हैं तो थोड़े क्रिएटिव हो जाइए, आप टेबल रनर्स को यूज़ कर सकते हैं, अपने दुपट्टे को यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं अपने सोफ़ा को साफ रखने के। और अगर आप अपने पूरे सोफ़ा को कवर करना चाहते हैं तो अमेज़ॉन पे पूरे सोफ़ा को कवर करने के लिए भी बहुत सारे कवर्स अवेलेबल हैं, आप उनको यूज़ करिए। बट प्लीज़ वो ओल्ड स्टाइल वाले सोफ़ा कवर्स को मत यूज़ करिए, क्योंकि वो आपके लिविंग रूम और आपके सोफ़ा के लुक को बिल्कुल भी ख़राब कर देते हैं। मैंने एक DIY सोफ़ा थ्रो पे भी वीडियो बनाया है, तो अगर आप चाहें उसको भी चेक कर सकते हैं और अपने लिए अपनी पसंद के हिसाब से सोफ़ा थ्रो या कवर बना सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं फिफ्थ पॉइंट की ओर। और मेरा फिफ्थ पॉइंट ये है कि प्लीज़ डू नॉट ओवर एक्सरसाइज योर होम। कई बार हम सब बहुत एक्साइटेड होकर बहुत सारे होम डेकोर के प्रोडक्ट्स खरीद लेते हैं और उन सबको एक ही जगह भर देते हैं, तो उससे जो होता है वो पूरा रूम बहुत क्लटर्ड लगता है और कोई भी चीज़ उभर कर सामने नहीं आती, क्योंकि सब एक दूसरे को ओवर शैडो कर रहे होते हैं। तो प्लीज़ आप अपने घर को, अपने लिविंग रूम को ओवर एक्सरसाइज मत करिए। अगर आपने होम डेकोर का कोई शो पीस रखा हुआ है तो उसके बगल में कुछ बुक्स या प्लांट्स ऐसे मिक्स एंड मैच करिए, सबको एक साथ मत ठूस ठूस कर रखिए, वो बिल्कुल क्लटर्ड लगता है और देखने में अच्छा नहीं लगता है। अब बात करते हैं सिक्स्थ पॉइंट की, जहाँ पे हम बात करेंगे सेंटर टेबल के बारे में। सेंटर टेबल को लेकर जो कॉमन मिस्टेक लोग अक्सर करते हैं वो है उस पर कवर डालने की। सेंटर टेबल पे कवर डालना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, और अगर आपको लगता है कि आपका टेबल पुराना हो गया है, देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप एक दिन समय निकालिए, उस पर आप या तो उसको पॉलिश करिए, पेंट करिए, नया लुक दीजिए, या फिर आप कुछ DIY करिए, बट प्लीज़ उस पर कवर मत डालिए, वो देखने में बहुत ही बेकार लगता है और आपके पूरे लिविंग रूम के लुक को ख़राब करता है। और अगर आप उस पर न्यूज़पेपर रख रहे हैं तो प्लीज़ बंद कर दीजिए, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और अगर आप न्यूज़पेपर सुबह पढ़ चुके हैं तो जो भी आपका उसका स्टोरेज एरिया है वहाँ रख दीजिए, या फिर आपको लगता है कि अगर आपके घर में मेम्बर्स हैं जो शाम को आके न्यूज़पेपर को पढ़ना चाहते हैं तो आप उसके लिए एक बास्केट रखिए, या तो आप उस बास्केट को अपनी सेंटर टेबल के नीचे रख दीजिए जहाँ पे आप पेपर को रख सकते हैं, या फिर आप सोफ़ा के साइड में भी रख सकते हैं बास्केट को, और उसमें आप न्यूज़पेपर को रोल करके डाल दीजिए, जिससे कि आपका लिविंग रूम बिल्कुल साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज लगेगा। Now coming to seventh point about common home decor mistake, I am going to talk about buying common home decor items. आप ऐसे कॉमन होम डेकोर आइटम्स को मत खरीदिए जो आपको हर तीसरी सड़क पर मिलते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि हर घर जो होता है वो यूनिक होता है। जैसे हम सब यूनिक होते हैं, हम सब की अलग अलग पर्सनैलिटी होती है, वैसे ही आपके घर की भी एक पर्सनैलिटी होती है। जब हम आपके घर में घुसते हैं तो आपके बारे में बहुत कुछ कहता है। तो क्या आप चाहते हैं कि आपका घर ऐसा हो जो बिल्कुल कॉमन हो, उसमें ऐसी चीजें हो जो हर दूसरे घर में दिखाई दे? आई एम श्योर ऐसा आप नहीं चाहते होंगे। तो आप कुछ यूनिक से होम डेकोर आइटम्स में इन्वेस्ट करिए, कुछ पैसे सेव करिए, कुछ ही आइटम्स को रखिए लेकिन कुछ यूनिक होम डेकोर आइटम्स को रखिए। ऐसी बहुत सी वेबसाइट्स हैं, बहुत से ऐसे स्टोर्स हैं जिनमें बहुत खूबसूरत और यूनिक आइटम्स मिलते हैं। और अगर आपके पास कुछ समय है, अगर आपको इंटरेस्ट है, तो आप DIY भी कर सकते हैं। आप DIY वॉल आर्ट बना सकते हैं, हैंगिंग्स बना सकते हैं, बहुत सारे आइडियाज़ हैं इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, पिंटरेस्ट पे। कुछ भी आइडियाज़ को लेके आप अपने घर के लिए अपनी स्टाइल का होम डेकोर प्रोडक्ट बना सकते हैं, चाहे वो वॉल आइटम हो या फिर आपका कोई भी फर्निशिंग हो, आप सब कुछ खुद घर पे बना सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे एट पॉइंट की। एट पॉइंट जो है वो मैंने बहुत ही ज़्यादा लोगों को करते हुए देखा, इनफैक्ट मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को भी ये मिस्टेक करते हुए देखा है, वो है एक थीम को फॉलो करना, स्पेशली कलर थीम को फॉलो करना। कलर थीम को फॉलो करने का ट्रेंड बहुत पहले जा चुका है और अब समय आ गया है मिक्स एंड मैच करने का। मैंने देखा है कई बार लोग गोल्डन थीम को फॉलो करते हैं, तो उनका काउच अगर गोल्डन टच का है, जो उन्होंने फैब्रिक यूज़ किया है, तो फिर वो सब कुछ गोल्डन ही रखते हैं, चाहे वो उनके घर का लैम्प शेड हो या वास हो, सब कुछ गोल्डन रख देते हैं। तो ये जो ट्रेंड है वो अब काफ़ी पहले जा चुका है। अब हम कलर्स को मिक्स एंड मैच करते हैं, पैटर्न और प्रिंट्स के साथ खेलते हैं, तो आप भी वैसा ही करिए। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको कोई कलर पसंद है तो सब कुछ एक ही कलर का होना चाहिए। आप अलग अलग टेक्सचर को क्रिएट करिए और अपने रूम को एक वाइब्रेंट लुक दीजिए।
मेरा 9 पॉइंट है कारपेट्स के बारे में। कारपेट्स का साइज़ बहुत ही क्रूशल होता है किसी भी लिविंग रूम को डिफाइन करने के लिए। कारपेट अगर बहुत छोटा या बहुत बड़ा हो तो वो आपके लिविंग रूम के पूरे लुक को स्पॉइल कर सकता है। या फिर अगर आपको लगता है कि आपके पास दो कारपेट्स हैं छोटे छोटे, तो आप उन दोनों को साथ में लेयर करके एक बड़े कारपेट का लुक दे सकते हैं। लेयरिंग आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो अगर आपके पास दो कारपेट हैं उनको मिक्स एंड मैच करिए और अपने लिविंग रूम को एक नया लुक दीजिए। और कारपेट के बारे में ही मैं एक और बात बोलना चाहूँगी। मैंने अक्सर देखा है लोगों को शैगी कारपेट खरीदते हुए। शैगी कारपेट जो होते हैं वो कुछ दिन तक तो बहुत अच्छे लगते हैं, बट उनकी मेंटेनेंस बहुत ही मुश्किल होती है। एक तो उनमें बहुत ज़्यादा गंदगी फंसती है और बार बार साफ़ करने के बाद जो उनके रेशे होते हैं वो ख़राब होने लगते हैं, वो उधड़ने लगते हैं और उस पूरे कारपेट का लुक ख़राब हो जाता है। और अगर आपके घर में पेट्स हों, बच्चे हों, तो वो कारपेट और भी ज़्यादा गंदा होता है। तो इसीलिए मेरा सजेशन ये है कि आप शैगी कारपेट्स को अवॉइड करें अगर आपके पास कोई हेल्प नहीं है घर पे, और अगर आपके घर में बच्चे हैं, पेट्स हैं, तो प्लीज़ यू कैन टोटली अवॉइड शैगी कारपेट्स। नाउ वी हैव रीच्ड द एंड ऑफ दिस वीडियो वेयर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द 10th पॉइंट। 10th कॉमन होम डेकोर मिस्टेक विच पीपल ऑफन मेक इज अबाउट द फर्नीचर। फर्नीचर की जो साइज़ है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी लिविंग रूम या किसी भी घर के डेकोर के लिए। जो लिविंग रूम में आप फर्नीचर रख रहे हैं वो आपके लिविंग रूम के साइज़ के हिसाब से ही होना चाहिए। ना तो वो बहुत बड़ा होना चाहिए ना बहुत छोटा होना चाहिए, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा बड़ा फर्नीचर लेंगे, बहुत बल्कि फर्नीचर लेंगे, तो आपका वॉकिंग स्पेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और आपका जो पूरा लिविंग रूम है वो क्लटर लगने लगेगा। हम में से ज़्यादातर लोग फ्लैट्स में रहते हैं, छोटे घरों में रहते हैं, तो मैं आप सजेस्ट करूंगी कि आप बहुत बड़े फर्नीचर में इन्वेस्ट मत करिए, क्योंकि अगर छोटे फर्नीचर को आप खरीदेंगे तो आप मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, बट अगर आप बड़े फर्नीचर को आप खरीदेंगे तो आप फंस जाएंगे। आपको उसी के साथ हर जगह जाना पड़ेगा, शायद आपका नेक्स्ट घर छोटा हो या फिर आप कोई नई चीज़ ऐड करना चाहें तो आप नहीं कर पाएंगे। तो मेरा सजेशन ये है कि आप स्मार्ट फर्नीचर के साथ जाइए जो हर घर में एडजस्ट हो सके। और बहुत ज़्यादा छोटा फर्नीचर भी मत लीजिए, क्योंकि फिर आपका घर खाली खाली से लगने लगेगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरे ये 10 पॉइंट्स हेल्पफुल लगे होंगे, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, अगर आपको कुछ आइडियाज़ मिले हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिएगा और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मेट्रो मॉम। सी यू अगेन नेक्स्ट वीक।